नमस्ते। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि योग करने से न सिर्फ हमारा शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही उपयोगी है। नियमित योग करने वालों के मानसिक स्तर पर भी बदलाव होता है, उनके दृष्टिकोण में सकारात्मकता आती है, वो पॉजिटिव सोचते हैं। और भी योग के कई सारे फायदे हैं, पूरे व्यक्तित्व को हमारे बदल सकता है योग अगर हम सही ढंग से अभ्यास करें। योग के इन्हीं सारे फायदों को देखते हुए ये विचार किया गया कि स्कूल में भी योग शिक्षा को लागू किया जाए। बच्चों को शुरू से ही अगर योग की शिक्षा दी जाए तो वो भी एक जिम्मेदार, सजग, स्वस्थ नागरिक के रूप में सामने आएंगे। कई प्रदेशों में पहल की गई। उत्तर प्रदेश में योग शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास बच्चों को कराया जाता है। अब एक प्रश्न उठा इसमें कि अगर योग शिक्षा हम दे रहे हैं तो क्या योग को विषय के रूप में भी शामिल किया जाए। इस पर मैंने वीडियो पीछे बनाया, आप लोगों ने देखा होगा कि योग को एक अलग विषय के रूप में शामिल करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं स्कूल में। तो कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अलग योग विषय शामिल हो गया है, योग डिपार्टमेंट भी बन गया है, लेकिन जब तक इसको स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में या फिर हाई स्कूल इंटर लेवल पर इसको नहीं शामिल किया जाएगा तब तक बहुत बदलाव नहीं दिख सकता सामाजिक स्तर पर। इसलिए ज़रूरी है कि स्कूलों में योग शिक्षा को लागू किया जाए और योग टीचर रखे जाएँ। एक चीज़ तो हम लोग देख रहे हैं कि स्कूलों में अब योग शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन शुरुआत हो गई है। लेकिन अभी योग शिक्षक की भर्ती होगी इसमें थोड़ा संदेह है। संदेह इसलिए क्योंकि जिन राज्यों ने योग शिक्षा को बढ़ावा दिया है उसमें उत्तर प्रदेश प्रमुख है। यहाँ पर अध्यापकों को योग की ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन ये वही अध्यापक हैं जो पहले से ही स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे विषय पहले से पढ़ा रहे हैं। उन्हीं टीचर्स को इन सर्विस ट्रेनिंग दी गई 5-6 दिन की और उनसे कहा गया कि अब जाके अपने स्कूल में आप बच्चों को योग सिखाइए। कहीं कहीं आप ये भी सुने होंगे कि जो फिजिकल टीचर हैं, जो गेम टीचर, स्पोर्ट टीचर हैं, उनको कहा गया कि आप योग भी सिखाइए। जबकि योग और स्पोर्ट में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। इन्हीं सब विषय पर मैंने बात की डॉक्टर राकेश गिरी जी से, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में योग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। उन्होंने फिजिकल टीचर और योग टीचर के बीच के अंतर को समझाया है बहुत अच्छे ढंग से कि कैसे योग टीचर बहुत अलग है फिजिकल टीचर से और ज़रूरी है अगर योग पढ़ाना है तो योग टीचर की नियुक्ति होनी चाहिए। एक जानकारी आप लोगों को और दे दूं कि अब मैंने अपना मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। आप इसको प्ले स्टोर में योगा विथ रमन सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि डाउनलोड करने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। वहाँ जाके आप बहुत सारे फ्री वीडियोज एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने कोर्स से रिलेटेड मटेरियल भी वहाँ मिल जाएगा आपको। खास करके उन विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होगा जो किन्हीं कारण से योग के जो प्रैक्टिकल क्लास हैं उसको रेगुलर अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो आप ऑनलाइन जुड़कर मुझसे सीख सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी उपयोगी होगा जो जनरल फिटनेस मेंटेन करने के लिए योग घर पर करना चाहते हैं, और अगर आपके पास अच्छे योग टीचर नहीं हैं तो आप सीधे मुझसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। आप अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि क्या योग विषय को फिजिकल टीचर सिखा सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि फिजिकल टीचर और योग टीचर पर डॉक्टर राकेश गिरी जी की क्या राय है। लोगों की जो नैरो माइंडेडनेस है, योग की सब एक दो आसन कर लिए, फिजिकल एक्टिविटी करके करके दिखा दी, फिजिकल एजुकेशन टीचर से करवा के हम योग करवा लेंगे, वो चीज़ नहीं। जो एटीट्यूड एक योग टीचर का, योग अध्यापक का हो सकता है, वो फिजिकल एजुकेशन टीचर का नहीं हो सकता जी। वो एक्सट्रोवर्ट एटीट्यूड होता है फिजिकल एजुकेशन टीचर का, जबकि योग जो है आपको अंतर्मुखी बनाता है। मेडिटेशन की प्रैक्टिसेज है, रिलैक्सेशन की टेक्निक्स है, भावातीत ध्यान है, योग निद्रा है, जपा जप है, विभिन्न जो हमारे मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं उनको फिजिकल टीचर जब सिखाया जाएगा, मन की एकाग्रता बढ़ाई जाएगी। बच्चों की कई प्रॉब्लम्स हैं, मेमोरी की है, लर्निंग की कैपेबिलिटी की है, तो कंसंट्रेशन की है, एकेडमिक स्ट्रेस की है, उनको योग द्वारा टीचर ही करा सकता है। हैं? इसको एक टीचर ही करा, योगा टीचर ही करा सकता है। फिजिकल एजुकेशन टीचर तो वो फिजिकल एक्टिविटी के तौर पर, जिमनास्ट के तौर पर योगा करा सकता है, बाकी उसका एटीट्यूड वो चीज नहीं हो सकती। हाँ, स्कूलों में सर यही हो रहा है कि गवर्नमेंट क्या करे, जो फिजिकल टीचर हैं उन्हीं से योग की क्लास भी लगवा ले रही है, तो ऐसे में एक तो रोजगार के अवसर भी नहीं उपलब्ध हो रहे हैं और सही ढंग से योग को पढ़ाया भी नहीं जा रहा है, ये समस्या आ रही है। तो सर से अभी हम लोगों ने उनके अनुभव के आधार पे काफी कुछ प्रैक्टिकल चीजें जानी और आप भी इससे लाभान्वित होंगे, हम ऐसा आशा करते हैं। सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला इसके लिए।